मध्य प्रदेश के दामोह में लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। लाभार्थियों ने क्या कुछ सरकार की इस योजना को लेकर कहा, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसके सर पर छत नहीं थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के दामोह में भी लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। दामोह जिले के गांव बटियागढ़ के निवासियों का कहना है कि पीएम की योजनाओं ने लोगों को अनेकों लाभ दिए हैं। एक तरफ रहने के लिए आवास तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से मुफ्त राशन की सुविधा भी मिल रही है, जिसके लिए लाभार्थी प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। खपरैल घरों को प्रधानमंत्री ने पक्के आवास में बदल दिया है। इस योजना का लाभ देकर पीएम ने उन सभी लोगों के सपने को साकार करने का काम किया है जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपना घर बनाने में असमर्थ थे। मौजूदा समय में वे सभी लोग अपने पक्के आवासों में आरामदेह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद है और कुटीरें बहुत अच्छी मिलती हैं और जो खुद्दी बने हैं सबकी बन चुकी हैं और जो बनने की आशा है वे भी बने। ग्रामीण क्षेत्र में मोदी की योजना किस तरह काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। गांव में खुशहाली आ रही है? अच्छी खुशहाली आ रही है। मोदी ने हमें कुटी दी है, मोदी को धन्यवाद। इससे पहले किस मकान में रहते? कच्ची। क्या परेशानी होती? पानी से चारा कहूँ कहूँ चूना हो रहा, कहूँ कछू हो रहा, सीढ़ आ रही दुनिया को। अब पक्के मकान में रह के कैसा लग रहा है? अब पक्को बनो यार, सही है। मैं प्रधानमंत्री की योजनाएं अपने देश के लाने इतनी लाभकारी हैं कि माने उनको कौन वर्णन नहीं कर सकत। कोई भी कोई भी योजना है, जैसे कुटीरें हैं, जैसे राशन है, जैसे सम्मान निधि है, मैंने कोनो भी योजना हर आदमी के लाने इतनी फायदेमंद हैं कि मैंने उनकी तो कल्पना ही नहीं कर सकत। अपन कितनी तारीफ करें, किन शब्दों में तारीफ करें, मैंने कछु नहीं कही जा सकत। मैंने ऐसी सरकार शायद है कब अब आगे आवे। पहले आप कच्चे मकान में रहते थे? हाँ। अब मोदी ने कुटी दे रही, फिर पक्के में रहने लगे। तो कैसा लग रहा है? सही है, लग रहा है। किसे धन्यवाद करेंगे? वही मोदी जी को करेंगे। पहले कच्ची कुटी थी हमारे यहाँ, फिर मोदी जी के द्वारा पक्के मकान दिए गए और अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से पहले ज़्यादा बहुत बसकारी दिक्कत होती थी, अब बहुत सुविधा हो गई। हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब हमें मोदी जी ने कुटी दी है तो हम कुटी में रहते हैं, अच्छे खुश रहते हैं। पहले अपना कच्चा मकान था, फिर पक्का बन गया, मोदी जी ने बनवा दिया, अब हम पक्के में रहने लगे। बहुत खुश हैं हम, मोदी जी की जय जयकार। पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मोदी जी ने मुझे कुटी दी है तो पक्का बन गया। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने कुटी बनाया, बहुत अच्छा लगाया और बच गया के रहने वाली है, धन्यवाद। बताइए मकान किसने दिया है? वो कुटी मिली है मेरे को तो, मोदी जी ने। पहले किस मकान में रहते थे? कच्चे मकान में, दूसरे में। अब पक्के मकान में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले मेरा कच्चा मकान था, मैं उसी में रहती थी। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे उन्होंने कुटी दी, आज मैं पक्के मकान में रहती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम आवास योजना पर अधिक जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि दमोह जिले की बटियागढ़ जनपद में अभी तक 17,742 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 16,803 आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं और 939 मकान अभी बचे हैं, उन्हें भी 2-3 महीनों में बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। दमोह जिले की जो जनपद पंचायत बटियागढ़ है, इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं, जो हमारे सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में जिनके नाम थे, आवास प्लस में नाम थे, और इन सबको पूरे हितग्राहियों के वर्ष 2017
16-17 से लेकर के 2021-22 तक कुल 17,742 आवास कुल स्वीकृत हुए थे और वर्तमान में कुल 16,803 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। अभी मात्र 939 आवास बचे हैं जिसको कि आगामी 2-3 महीने के अंदर में पूर्णता का प्रयास किया जाएगा। इसमें हितग्राही को जो है 4 किस्तों में 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा 90 दिन की मनरेगा मद से हाजिरी दी जाती है जो लगभग 19,890 रुपये की होती है और इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन से 12,000 रुपये शौचालय की राशि रहती है। तो कुल मिला के 1,51,890 रुपये की राशि कुल हितग्राही को मिलती है। आपको बता दें कि देश भर में पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत अब तक 2,94,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं पीएम आवास शहरी योजना के तहत 118.63 लाख आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है और इन स्वीकृति आवासों का 95% काम भी पूरा किया जा चुका है। सरकार के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हितग्राहियों को बहुत लाभ मिल रहा है और उस लाभ से सभी हितग्राही बहुत खुश हैं। इसी संबंध में हम दमोह जिले के बटियागढ़ पहुंचे जहां पर हमने हितग्राहियों से इस बारे में चर्चा की तो उनका कहना सामने आया है कि वो पहले कच्चे मकान में रहते थे और आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं जिससे वो बहुत खुश हैं। और बटियागढ़ ब्लॉक में 17,742 पीएम आवास दिए गए हैं और अभी जो बाकी आवास हैं वो बनना चल रहा है और उनका कार्य किया जा रहा है जिससे हितग्राही बहुत ही लाभ महसूस कर रहे हैं। दमोह जिले के पटियागढ़ से विनोद उदयनिया, नेटवर्क टेक।